किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका बताने वाला हूँ चाबी से स्टार्ट होने वाला पावर टिलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चाबी से स्टार्ट होने वाला पावर टिलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और किसान भाई इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और कंपनी का परिचय कराइए। मेरा नाम है जयंत पटेल, मैं एक्चुअली हूँ अपनी कंपनी धर्माचार्य इंडस्ट्री अहमदाबाद गुजरात। तो सर, आज के इस वीडियो में जो आप पावर टिलर की रेंज बता रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से पावर टिलर के बारे में आप आज बताने वाले हैं। हमारी कंपनी धर्माचार्य इंडस्ट्री में 7.5 HP में पेट्रोल मॉडल रहेगा जी। उसके बाद आएगा अपना 7.5 HP में कामा इंजन में सेल्फ स्टार्ट मॉडल, और उसके ऊपर आएगा 9.5 HP में कामा ही इंजन में वो भी सेल्फ स्टार्ट मॉडल। ये तीन प्रकार के मॉडल हमारी कंपनी में अवेलेबल रहते हैं सर जी। तो सर, सबसे पहले ये जो आपका मॉडल है, इसके बारे में आप मेरे को डिटेल से बताइए कि इसमें कौन सा इंजन है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में। सर, एक्चुअली हमारा वीडर है 7.5 HP पेट्रोल मॉडल में जी। ये अपना आता है धर्माचार्य ब्रांच से ही, और प्रॉपर ही हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है अहमदाबाद गुजरात में ही सर जी। तो सर, इसका सबसे पहले तो इंजन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, उसके किस तरीके का इंजन है, क्या इसका सिस्टम रहता है। 7.5 HP में इंजन रहेगा पूरा जी, प्रॉपर, और ये पूरा 32 ब्लेड के साथ रोटावेटर के साथ ही रहता है जी। और अपना धर्माचार्य ब्रांच से ही पूरा इंजन है जी, और हमारा खुद का ही यहाँ अहमदाबाद गुजरात में उसका प्रॉपरली MFG है, मैन्युफैक्चरिंग है सर जी। अब सर, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके गियर्स वगैरह के जो फीचर्स है उसके बारे में आप। सर, एक्चुअली आता है 7.5 HP में इंजन में मैनुअल स्टार्ट, रिकॉल स्टार्ट बोला जाता है उसको जी, और ये अपना 2 फॉरवर्ड गियर वाला रहता है और एक रिवर्स गियर वाला रहता है इसमें सिस्टम सर। ठीक है। अब सर, उसके बाद जैसे आप मेरे को ये बताइए, इसको कंट्रोल करने का क्या सिस्टम रहेगा, इसके जो रेस वाला जो सिस्टम है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। सर, इसमें रहता है एक्चुअली जो रेस सिस्टम है यहाँ पे, उसका प्रॉपरली गाइडलाइंस दिया हुआ है जी। जैसे इसमें लिखा ही होएगा पूरे हैंडल पे, आप जैसे राइट साइड के हैंडल पे दिखोगे तो उसमें रिवर्स का फॉर्मूला पूरा मेंशन किया हुआ है जी। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड के हैंडल पे जाओगे तो उस पर मेंशन किया है क्लच का जी, कि जैसे कैसे क्लच करना है। ये इंजन चालू करने के बाद आपको ऐसे इसका फर्स्ट गियर लगाना है, जैसे ही आप लगाओगे और एक क्लच दबाओगे तो ये अपने आप वर्किंग करना शुरू कर देगा, जिसके आपको जितनी स्पीड पे जितने अंदाज से लगाना है ऐसे आप इसका क्लच दबा सकते हो सर। ठीक है। तो यानी कि इसका एक मतलब ये भी हो गया कि जैसे ही किसान ने एक क्लच दबा रखा है तब तक चलेगा, जैसे ही अगर मशीन वो क्लच छोड़ दिया उन्होंने वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। हाथ से अगर छूट भी गई मशीन तो आगे कोई तकलीफ नहीं, ये क्लच छोड़ने के बाद मशीन प्रॉपरली वहाँ का वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब सर, आप जैसे इसके हैंडल के बारे में बताइए, क्या इसका हैंडल एडजस्टेबल है? यस। क्या हम अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो? सर, उसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हैंडल टाइप का, ये जैसे ही आप घुमाओगे ये पूरा ऊपर नीचे होके पूरा जितने आपको जितनी हाइट तक लेना है ऐसे लेना है तो आप ले सकते हो, नीचे जाना है तो आप नीचे जा सकते हो। ठीक है। अब सर, इसका जो फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन कितना आएगा पर हावर का अगर हम? सर, इसमें फ्यूल कंजप्शन आपको आता है 700 से 800 ml पर घंटे पे सर। ठीक। और उसमें सर, इसके साथ और कौन कौन से हम अटैचमेंट इस पे लगा सकते हैं? सर, एक्चुअली ये अपना आता है PTO स्टाफ वाला वीडर, मतलब यहाँ पे आप वाटर पंप है जी, स्प्रे पंप है जी, अपना छोटा रिपर आता है चैन वाला वो है, अब ट्रॉली है जी, वो सब अटैचमेंट आप यहाँ PTO के थ्रू पूरा अटैचमेंट कर सकते हो, और वो करने के लिए पूरा हैंडल उस तरफ चला जाएगा और यहाँ PTO में सब अटैचमेंट हो जाते हैं सर। यानी कि PTO से चलने वाले जितने भी अटैचमेंट हैं हम वो सब को इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सर, आप अपना जो दूसरा मॉडल है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें समझाइए। सर, ये हमारा हैवी मॉडल है 7.5 HP और 9.5 HP में विथ कामा इंजन के साथ आएगा सर जी, और वो भी हमारा लेवल आप देख सकते हो धर्माचार्य इंडस्ट्री कामा इंजन। ठीक है। और हमारे ऑल ओवर इंडिया में सर कामा इंजन की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और हैवी वाले इंजन रहते हैं, और ये प्रॉपरली मेंशन किया ही हुआ है कामा इंजन के साथ। ठीक है। अब सर, जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपने इसमें बैटरी लगाई हुई है, यस, तो इसकी बैटरी के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कौन सी बैटरी है? सर, ये अपना योंगाबा ब्रांड का बैटरी रहता है जो मैनुअल स्टार्ट भी है ये वीडर अपना। ठीक है। और रिकॉल स्टार्ट भी है और सेल्फ स्टार्ट भी आप कर सकते हो, जिसमें 2 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं जी, 7.5 HP में और 9.5 HP में। ठीक है। अब सर, जैसे इसको आप जैसे आपने बताया ये सेल्फ स्टार्ट भी होता है, तो सेल्फ का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे स्टार्ट होगा उसके बारे में? सेल्फ के लिए उसका पूरा ऑप्शन दिया हुआ है सर जी, जैसे ही आप ये चाबी घुमाते हो जी और वो
चालू हो जाता है सर। यहाँ से उसका रेस करना है जी। और यहाँ से आप दबाओगे चाबी तो तुरंत ही रिस्टार्ट होके चालू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे फीचर्स हैं वो तो सारे सेम ही होते हैं इसके? सेम ही होते हैं। फीचर में कभी कभार जब बैटरी का प्रॉब्लम आएगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल जी, उसके बाद आप उसको बैटरी नहीं लगाना है तब आप उसको मैनुअल स्टार्ट, यहाँ से रिकॉल स्टार्ट दिया हुआ है तब रिकॉल स्टार्ट का भी कर सकते हो बिना फोकट का। कोई खर्चा फार्मरों को नहीं करना है बैटरी का जी। तो रिकॉल स्टार्ट यूज करके ऑपरेट कर सकते हैं सर। ठीक है, किसान भाई आप साथ में देख सकते हैं कि जैसे इसको आपको चाबी का सिस्टम मिलता है, यानी कि चाबी से जिस तरीके से हम अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। अब सर बाकी इसमें आप जो साथ में जो इसके अटैचमेंट है उनके बारे में भी आप बताइए इसमें। ये अपना निराई गुड़ाई का मशीन है सर। एक्चुअली ये दोनों जो अपने पास रखी है रोटावेटर है जी। जैसे प्रकार के बड़े ट्रैक्टर के जो रोटावेटर आते हैं ऐसे में अपने हमने 7.5 HP और 9.5 HP में छोटे रोटावेटर निकाले, जो ये दोनों टायर निकालने के बाद वो रोटावेटर दोनों वो टायर की जगह पे लग जाएंगे और आप उससे वीडिंग और कल्टीवेशन कर सकते हो सर। ठीक है, अब सर इसकी जो रोटरी है ये कितनी चौड़ाई में काम करती है वो आप? सर ये अपना 7.5 HP 9.5 HP में जो रोटावेटर आता है वो 2 फुट से लेके आप 5 फुट तक वर्किंग कर सकते हो। आपको समझो आपका खेत का गारा 4 फुट का है तो आप दोनों साइड की निकाल देने का एक एक साइड की तो 4 फुट का गारा आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये 2 फुट से लेके 5 फुट तक वर्किंग कर सकते हो। यानी किसान की जो नाली बनी हुई है, किसान की जिस तरीके से फसलें लगी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सर इसका फ्यूल कंजप्शन कितना है? सर इसका भी फ्यूल कंजप्शन 700 से 800 ml पर घंटा ही है और ये डीजल मॉडल है और हैवी रहेगा सर। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि आप एक चीज़ और बताइए, जैसे हमने 1 घंटा इसको चलाया आपने खेत में, तो कितनी जमीन की हम कितने एरिया की निराई गुड़ाई कर सकेंगे? सर एक्चुअली ये जाता है अपनी स्पीड के ऊपर से जी। समझो सीड अपना जितना रखोगे तो आप 1.5 से 2 बीघा के ऊपर का भी आप निराई गुड़ाई आप आराम से कर सकते हो सर। ठीक है, यानी वो पूरा चलाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितने तरीके से इसको चलाता है या फिर चलाने वाला कितना एक्सपर्ट बनता है। ठीक है, अब ये हो गए। अब सर मेरे को आप एक चीज़ बताइए, जैसे रोटरी तो आप इसके साथ में दे ही रहे हैं, अगर जैसे कोई किसान चाहता है मुझको अलग से कोई इक्विपमेंट लेना है, जैसे PTO से चलने वाला कोई इक्विपमेंट है या फिर अलग से कोई इक्विपमेंट लेना है, तो उसका क्या सिस्टम रहेगा? सर एक्चुअली जो उनको वाटर पम्प चाहिए या कुछ भी स्प्रे पम्प चाहिए जो भी चाहिए तो जो भी प्राइस रहेगा वो हम बता देते हैं जी। बाकी इसके साथ जो अलग से अटैचमेंट आते हैं जैसे कि रिज्जर है, प्लाउ है, 3 टाइम कल्टीवेटर है, 5 टाइम कल्टीवेटर है, आयरन व्हील है, केज व्हील है, वो सब भी हमारे फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग होता है सर जी। तो क्या है जैसा ही कस्टमर या फार्मर का जैसा डिमांड रहेगा तो हम ऑर्डर बुक करके उसके साथ वो भी अटैचमेंट उनको साथ में ही देते हैं सर। ठीक है, अब सर जैसे आप मेरे को इनकी जो प्राइस है वो आप थोड़ा प्राइस बताइए कि इनकी क्या प्राइस रहेगी? सर हमारा ये जो आता है जी 7.5 HP पेट्रोल में है सर जी, बराबर है जी। इसकी प्राइस रहेगी 45,000 rupees। ठीक है, बराबर है, वो भी डिलीवरी के साथ देता हूँ मैं सर। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी चाहिए तो 45,000 में विथ डिलीवरी के साथ मिलेगा। ठीक है, उसके 45,000 के अलावा डिलीवरी चार्ज इसके अंदर ही इंक्लूड होता है? 45 के अंदर में ही देता हूँ मैं सर जी। समझो आप 45 में ही अंदर आ गया, फार्मर को कोई एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है? सर ये अपना 7.5 HP में जो आएगा जी वो 80,000 में आएगा। ठीक है, वो भी डिलीवरी के साथ। ठीक है, और 9.5 HP जो आएगा वो 93,000 में आएगा, वो भी डिलीवरी के साथ। ठीक है, अब सर जैसे ये चीज़ें आपने बताई दी, पर सर हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख के अगर इन मशीनों को परचेज करते हैं तो आप उन्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? सर एक्चुअली क्या है, उनका ऑर्डर जो आएगा जी हमारा यूट्यूब जो चैनल रहेगा जी उसको सब्सक्राइब करते हो और उसका जो भी स्क्रीनशॉट है मेरा जो नंबर में मोबाइल नंबर दूंगा उनके ऊपर आप शो करते हो और दिखाते हो जी, तो उसके अलावा जो मेरे को डिस्काउंट देना है कंपनी की तरफ से एक्चुअली जो होगा 3,000 है 5,000 वो मेरे हिसाब से मैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकता हूँ सर। ठीक है, तो किसान भाई अगर आप इस मशीन को लेने वाले हैं तो हमारे चैनल का जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट आप सर के नंबर पर ज़रूर भेजें ताकि आपको जो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब सर आप लास्ट में ये बता दीजिए कि कोई किसान इसको परचेज कर रहा है, परचेज करने की क्या प्रोसेस रहेगी, पेमेंट करने का क्या सिस्टम रहेगा? सर एक्चुअली उनको हमारी कंपनी के अकाउंट में मैक्सिमम 10,000 देके बुकिंग करवाना है। ठीक है, बाकी का उनका नियर बाय लोकेशन में जो भी ट्रांसपोर्ट रहेगा जी वहाँ पहुँचेगा, वो बाकी का पेमेंट हमारे अकाउंट में पे करेंगे, उसके बाद यहाँ से मैं मेल कर दूंगा तो तुरंत उनको वो मटेरियल हाथों हाथ मिल जाएगा सर, पेमेंट क्लियर होने के बाद तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है,
अब सर एक चीज़ और आती है, किसान इसको चला रहा है अपने खेतों में लंबे टाइम तक, 2 साल बाद 3 साल बाद या किसी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पार्ट्स कैसे उन्हें अवेलेबल? सर हमारे खुद का फैक्ट्री का ही मैन्युफैक्चरिंग है समझो, तो उसका छोटे से लेके बड़े तक का जो भी पार्ट्स चाहिए जी, उसका गेयर बॉक्स है समझो, इंजन है जी, उसकी बैटरी है, उसका क्लच वायर है, उसका रिवर्स वायर है, जो भी चाहिए वो सब हमारी कंपनी में अवेलेबल हो जाएगा। और वो तुरंत ही जैसे ही कस्टमर की डिमांड रहेगी तुरंत उनके घर के होम एड्रेस पे हम कुरियर कर देते हैं सर। यानी कि किसान आपकी कंपनी से ये मशीन लेता है तो उसको किसी भी पार्ट के लिए लोकल मार्केट में या फिर किसी दूसरी जगह पे भटकने की जरूरत, कोई भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं। हमारा जो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है वो कोई भी नंबर पे आप एक बार ट्राई करो, बात तुरंत हो जाएगा और तुरंत उसका हम निराकरण करके ही दे देंगे। तो सर आप काफी जो एक यूनिक मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं और काफी अच्छी आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में देखा कि ये जो पावर टिलर हैं इसका किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, आज के इस वीडियो में आपने ये सब कुछ जाना। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।